राम राम दोस्तों। 2-3 दिन से वो दिल्ली वाली घटना जो बार बार आगे आ रही थी, हमारा भी दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। पता नहीं उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एवानियत की हदें ऐसे कैसे पार कर देते हैं लोग, क्यों इतने गिर जाते हैं लोग, क्यों नहीं सोचते भाई तुम्हारे घर में भी कोई बच्ची है। ये बच्चियों पर अत्याचार करने वाले इतने कैसे अपने आप को समझ जाते हैं, और उनको कम से कम सोचना चाहिए था कि तुम जिस बच्ची पर अत्याचार कर रहे हो वो बच्ची सिखों की है। पता ना किन सिखों की है, उन सिखों की है जिन सिखों के पास अगर किसी दूसरे की बच्चे पर भी अत्याचार होता था तो वो सिखों के पास जाते थे इंसाफ मांगने के लिए कि हमारी बच्चियों को बचाओ, और वो उन बच्चियों को बचाते थे। और उस सिख बच्ची के साथ अगर आप ऐसा वारदात को अंजाम दे रहे हो, आपने सोचा नहीं था? हमारे भी मन में था सुबह अपने मां, अगर इस बच्ची को इंसाफ चाहिए तो इस बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे जो अपनी नियंग सेना है, बोला था, जो अपना खालसा पंथ है, उनको भी सभी को इस चीज की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर कोई भी बच्ची हो कहीं पर भी उस पर वो ऐसी होती है अवानियत होती है तो उसका फैसला करने के लिए नियंग सेना को हमेशा आगे आना चाहिए। हर उस बच्ची का मदद करनी चाहिए, हर उस बच्ची की। और उन्हें बोल दिया फैसला होगा तो होगा फैसला, क्यों? क्योंकि क्यों, वहां पर कोर्ट कचहरी नहीं है, जो तारीख पे तारीख चलती रहेगी वो गुरुओं की सेना है, ये ध्यान कर लेना। आगे भी अगर कोई गलत काम करता है तो अपने दिमाग में यह चीज बिठा लेना कि वो गुरुओं की सेना है। अगर वो इंसाफ करने पे आएगी ना तो इंसाफ ढंग से होगा ना, फिर कोई कोर्ट कचहरी होगी ना कोई पुलिस प्रशासन होगा, फैसला ऑन द स्पॉट। और पसंद भी है ये हमारे को, अगर निजी तौर पर पूछना चाहो तो हमारे को पसंद ही ये है। अगर कोई किसी बच्ची के साथ ऐवानियत करता है उसका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, तब जाकर ये बंद होंगे। जैसे सऊदी अरब में कानून बना रखे ना, ऐसे कानून होना चाहिए। चौराहे पर काटो ऐसे आदमियों को जो अगर किसी बहन बेटी या बच्ची के साथ अगर कुछ भी करते हैं, तो अब उनको भी पता लग जाएगा। नेंग वहां पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने बता दिया कि इसका बदला लिया जाएगा, तो बदला लिया जाएगा। कोर्ट कचहरी कानून ये बीच में नहीं आएगा, अब मत इसमें फैसला होगा। अच्छा लगा ये, लेकिन अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग इन बच्ची के साथ जो 26 जनवरी को होया, यहाँ पे ये हो रहा था, आप पगड़ी पहनते हो, आप सिख हो, और आप वहां पर किसी नेताओं के पीछे पीछे चल रहे हो, आप सच्चे सिख कैसे हो सकते हो? एक बच्ची के साथ अवहेलनीयत हो रही है और आप वहां पर किसी नेता के नारे लगा रहे हो, सोचना चाहिए आपको भी। ये सोचना, सोचने का समय आ गया अब। ये हमारे को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, हम वहां पर नारे लगाने में व्यस्त हैं, यहां पर बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यही दिल्ली का सीएम वहां पर वोट मांगने गया हुआ है, ये हालात क्यों बनाए गए हमारे? फिर कहते राजनीति बहुत अच्छी चीज है, सभी को राजनीति माना चाहिए। नहीं यार, नियम कभी किसी राजनीति में नहीं आते। पहले बोला था, बताया था आपको, उन्होंने कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वो यहां पर भी आए थे, आंदोलन में भी आए थे, पूरे सिंह बॉर्डर की रक्षा की थी। उनको इंसाफ पसंद है, और हमें भी ऐसे ही लोग पसंद है जो इंसाफ को पसंद करते हो, ना कि राजनीति के दलदल में घुस जाएं। इस बच्ची को 3 दिन से देख देख कर हमारा सभी का दिमाग खराब हो रहा था कि पता नहीं यार कैसे लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन अब फैसला करने के लिए अगर गुरु की सेना आ गई, अच्छा लगा ये देख के कि वो वहां पर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और बता दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। अच्छा लगा ये हमारे खुद को, अच्छा लगा हमारे को, नहीं पता दूसरे को किसको अच्छा। बहुत अच्छा, दुनिया जो ये सोचती है नहीं ये बुरा हो गया खराब हो गया। बहुत लोगों ने पहले भी बोला था नियंग ये कर देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, वो इंसाफ करते हैं, किसी को मारते काटते आज तक देखा किसी को बिना बात काटते हुए, किसी को मारते हुए देखा क्या कभी किसी ने? लेकिन हमने देखा लोगों को बिना बात के, एक दूसरे भाई भाई को काट रहा है उसको देखा हमने, ऐवानियत की हदें पार कर देते हैं लोग बिना बात के, वो हमने देखा है। इल्जाम लगाने के लिए चाहे दुनिया को, अगर कोई इंसाफ पसंद है तो उस पर इल्जाम लगा दो, उसको बदनाम कर दो, ये है दुनिया, इस दुनिया का दस्तूर यही रहेगा। लेकिन अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नियंग सिखों का, जो उन्होंने जाके और वहां पे जाकर मामले का संज्ञान लिया और जो इसमें फैसला करेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आदमी में अपनी आत्मा जगा लो भाई, जिनका जमीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, जगा लो अपनी। आए दिन बच्चियों पर कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, आए दिन, और लोगों के हौसले देखो कितने बुलंद है कि उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, वीडियो बना के वायरल किया जा रहा, क्यों? इतने बुलंद है हौसले अपराधियों के, सामने आना चाहिए अब गुरु की सेना को। अगर कहीं पर कुछ भी हो गया, अगर गुरु की बेअदबी के इंसाफ ऐसे हो रहा ना, तो हमारी बच्चियां, जो गुरु गोविंद सिंह ने बोला सभी बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, सभी बच्चियों की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी अब नियंग सेना को दे दी जाए। कोई इस तरह का केस होता है उसको सौंप दिया जाए, वो इंसाफ करेंगे, ये नहीं वो बिना बात के किसी को मारते काटते नहीं है, इंसाफ करते हैं। अच्छा लगता है उनका इंसाफ देख के, होना भी यही इंसाफ चाहिए। अगर हमारे को अपने देश के कानूनों में सुधार चाहिए थोड़े कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, वो कठोर कदम उठाते हैं, लेकिन इंसाफ होता है।
अगली बार आदमी सोचता है कहीं तू ये ना कर दे और गुरु की शरण आ जाए, फिर देख तेरे साथ क्या होगा। डर होना बहुत जरूरी है, डर होना बहुत जरूरी है। जब तक बंदे ये राजनीति करते हैं नेता लोग, कैसे करते हैं आपको डरा के? कोई भी इनको अगर अपना धंधा चलाना है, सबसे बड़ा धंधा है डर का धंधा, डराते हैं ये लोग। तो इतना ही डर अपराधियों के मन में होना चाहिए, तब जाके ये चीजें रुकेंगी। पता अपराधियों को 10 साल 20 साल ऐसे ही केस चलता रहेगा, केस लड़ते रहेंगे, पैसे के बल वाला तो कभी आएगा नहीं, मारा जाएगा, गरीब मारा जाएगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ लो, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। नेता बना देते हैं, आज इसको बना दिया कल उसको बना दिया। क्या अभी तक कुछ बोलिया केजरीवाल साहब, दिल्ली के सीएम, आप कुछ बोलिया आपने? हाँ, यहां पर भी एक वो आया था जो हमारे ये किसान अगू थे, ये भी बोल रहे थे हमारे उस मामले में इंसाफ करेंगे। कहां गए आप? पंजाब में चुनाव लड़ने में व्यस्त हो, चुनाव में व्यस्त हो ना पंजाब में? अब तो नहीं सांस निकला तुम्हारा, उस समय तो बहुत सांस निकल रहा था। एक हमारा भी गया हुआ हरियाणा का चुनाव लड़ने के लिए पंजाब में, अब उसका भी समझ में नहीं आ रहा हरियाणा का है कि पंजाब का है। चटूनी चटूनी जा रहा वहां पे, वो बोलता था कि हर चीज में इंसाफ होना चाहिए, एक शब्द भी निकला उसके मुंह से, उसके मुंह से शब्द निकल रहे वोट दो, वोट वोट दो, उसको मुख्यमंत्री बना दो पंजाब का, और मुख्यमंत्री बना के भेजना पंजाब वालों उसको, ऐसे मत भेजना। हद कर दी, मतलब लोगों को सामने दिखाई दे रहा है फिर भी लोग नहीं बोल रहे, कमाल है लोग नहीं बोल रहे। अब कोई बीच में आकर ना ये मत कह देना कि लोगों को भड़का रहा है, ये कर रहा है, कोई भड़काना नहीं है, ये इंसाफ पसंद है और ये गुरु की शरणा है। शायद सिख भाई भी अपनी ताकत को भूल चुके हैं, अब ये समय है एकजुटता का, एकजुट रहो, आप अपनी ताकत को मत बिखोरो, पार्टियों में जाकर अपनी ताकत को खराब मत करो। अगर यह आंदोलन चलिया था तब सभी ने बोला था भाई संयुक्त पंजाब एक हो गया, संयुक्त पंजाब एक हो गया, कहां गई वो संयुक्त पंजाब की ताकत? कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा उस बच्ची के लिए, गुम हो गई वो ताकत। जब अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते, क्या देश को बचाओगे पूरे को? अपनी बच्चियों के लिए तुम आवाज नहीं उठा सकते, तुम इन किसानों और मजदूरों के लिए आवाज उठाओगे? नहीं उठाओगे, तुम खाली चुनाव लड़ने के लिए गए हो वहां पर, कोई किसी के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं गया है। जो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मेन मकसद यही हो है बस, और कोई मतलब नहीं इनको। तो क्यों ना इससे अच्छा तो अपनी खुद की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो हर जगह पे इंसाफ के लिए लड़े। अपनी टीम तैयार कर लो, जैसे नियंग सेना है ऐसे अपनी सेना मत बनाओ, टीम तो बनाओ, आसपास में अपनी टीम में तैयार कर लो कि जहां पर जाकर उनको इंसाफ दिलवाया जा सके। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के अगर झंडे उठाते रहे ना, एक दिन तुम किसी पार्टी का झंडा उठाने में व्यस्त हो गए और तुम्हारे घर में कोई वारदात हो जाएगी। भूल चुके हो अपनी ताकत को, बताया था एकता में बहुत ताकत है, लेकिन उसे एकता को बांट दिया, कोई बीजेपी के झंडे उठा रहा है, कोई कांग्रेस के, कोई आम आदमी के, कोई किसी के, फिर ऊपर से ये चले गए किसान नेता चले गए, इनके भी झंडे उठाने के लिए चाहिए। इन बच्चियों के बजाय अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कौन बोलेगा? कोई बचा क्या? उसी समय पर बोल रहा था कि चुनाव मत लड़ो ना, ये उतरेंगे चुनाव में। पंजाब की जनता, इनको जवाब दो ठोक के, जब बात अगर बच्चों की इज्जत आबरू पे आ जाती है ना, तो जवाब दो इनको ठोक के, सभी पार्टियों को, जिसने भी अगर एक शब्द भी नहीं निकाल लिया ना उस बच्ची के लिए, उसका इलाज भी करो वहां पे, इलाज करो। वो अगर वोट मांगने के लिए आ रहा थे, वो अगर आपके बच्चियों के लिए नहीं बोल सकता, वो आपके लिए आवाज उठाएगा? आप समझ के बैठ गए कि ये पंजाब में जितने नेता रहे हैं आपके लिए आवाज उठाएंगे? 3 दिन से वो केस घूम रहा है, 26 जनवरी को वो केस हुआ था, किसी ने नहीं बोला, आवाज नहीं उठाई किसी ने, सब बैठे हैं चुपचाप, बस अपनी कहीं हमारी राजनीति खराब ना हो जाए। बोलते जरूर बोलते, अगर उसमें राजनीतिक कोई फायदा होता तो वो जरूर बोलते इसमें, फिर बिल्लू भाई साहब राम राम, वो जरूर बोलते आके बोलते, लेकिन उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अगर हिंदू मुसलमान का कनेक्शन होता, अभी तक सभी पार्टियों के मुंह खुल जाते, सभी पार्टियां, वो उससे ज्यादा बोलती, वो उससे ज्यादा बोलती, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कनेक्शन नहीं था। इसमें एक बच्ची को सरेआम मारा पीटा गया है, रेप किया गया है, उसके बाद केस काटे गए हैं, दूसरी तरफ मुसलमान नहीं थे, या कोई राजनीतिक या कोई जातिवाद नहीं मिल रहा था इस केस के अंदर, यही बात थी, नहीं तो इस केस को दबाया ही नहीं जाता। आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, अगर नहीं आंखें खोलोगे ना, ऐसे ही तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे बच्चों के साथ ये काम करेंगे, अगर नहीं आंखें खोल पाए तो। भूल गए आप अपनी ताकत को? एक तरफ हम बोलते हैं गम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, क्या यही सिखाया था गुरुओं ने तुम्हारे को कि तुम्हारी बच्चियों पर अत्याचार होता रहे, तुम पार्टियों के झंडे उठाते रहो? शर्म आनी चाहिए।
जो इस समय पर भी पार्टियों के झंडे उठा रहे थे। और सबसे बड़ी शर्म उन नेताओं को आनी चाहिए जो पंजाब के अंदर वोटें मांग रहे हैं। देखिए जवाब पंजाब की जनता इनको, ये अगर आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं ना, सबसे पहले इन्हीं का इलाज करो। कोई वहां पर जाकर बोल रहा मैं किसानों का मसीहा, मैं उसका मसीहा। कौन सा मसीहा है? तो हमारी बच्चियों को बचा नहीं सका, हमारे बच्चियों के लिए दो शब्द बोल नहीं सका। किसका मसीहा है ये पैसे का मसीहा। पैसा, पैसे के लिए आए हैं तुम्हारे पास, पैसे चाहिए। इनके पास इतने पैसे रातों रात पार्टी खड़ी कर सकते हैं, रातों रात पार्टी खड़ी कर देंगे। इतने पैसे इनके पास अगर किसी गरीब बच्चे को देने के लिए होते, इनके पास पैसे नहीं है। सब पैसे के भूखे भेड़िया हैं, ये हकीकत ये है, मत पहचानो। कोई सत्ता में आकर ये सोच रहे तुम्हारा भला करेंगे? आज तक कर दिया, देश के आजाद हुए 72 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज तक किसी नेता ने भला किया? तुम्हारे घर पे आकर बोलिया है कि मैं भला करूंगा तुम्हारा? नेता बनने के बाद, नेता बनने से पहले सभी अच्छे भला करेंगे, और ये तो बनने से पहले ही मुंह नहीं खोला इन्होंने। पूछोगे तो बताऊंगा, हमारे को पता ही नहीं था, पता ही नहीं। जो केस इतना हाईलाइट हो चुका है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक बच्ची पर अत्याचार हो रहा है, इनको पता भी नहीं है। अपनी गुरु की सेना को मजबूत करो, गुरु की सेना को मजबूत करो। अगर फिर भी समस्या आ रही है, संपर्क कर लेना, संपर्क भी करवा देंगे आपके, निहंग सेना के साथ संपर्क करवा देंगे। उनसे जुड़ो, अगर आपको इंसाफ चाहिए तो किसी राजनीतिक पार्टी से मत जुड़ो। राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा सेट करती हैं, वो इंसाफ करेंगे। उनसे जुड़ो, उनके साथ मिलजुल कर रहो। इतना वो किया था भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। संयुक्त पंजाब एक हो गया, संयुक्त पंजाब एक हो गया। हम यहां पर अपने संयुक्त पंजाब के ही इतने धड़े बना दिए कि पंजाब के लोग ही नहीं बोल पा रहे, हमारी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है। अभी भी नहीं समझे आपका दिमाग कहां पे सेट किया जा रहा है। आपको राजनीतिक पार्टियों में उलझाया जा रहा है, और आप उलझते जा रहे हो। मत उलझो राजनीतिक पार्टियों में, अपने बच्चों को आपको बचाना है। जमीन आप बचाओगे, खुद को बचाओगे, लाठी डंडे सब कुछ आप सहन करोगे। नेता ये बनेंगे, बांध के पगड़ी, नेता बन गए बस। ये पगड़ी बांध के नेता बनते हैं, मैं मसीहा, मैं फलाना। क्या कर दिया मसीहा? पूछ तो लो। चलो जो किसान अगवा आकर अपने आपको बोल रहे ना पंजाब के अंदर, मैं मसीहा हूं, उस मसीहा का पूरे 32 साल का रिकॉर्ड निकाल दो, पता लग जाएगा ये मसीहा कैसे खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। कौन से मसीहा हैं ये? भगाओ इनको वहां से, पंजाब को भी खराब करेंगे ये। आंदोलन के बीच में बोले आंदोलन टूट जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। मैंने बोला था दूसरा यशपाल मलिक है ये हरियाणा में, और बनिया अभी तक यशपाल मलिक के साथ संबंध है उसके, और बनिया। अब पंजाब की जनता को जवाब देना है, उसको जवाब दो, ऐसा ठोक कर दो कि उनकी समझ में आ जाए। हाँ हमारी बच्ची के लिए तूने क्या बोला? वहां पर जाएंगे, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे, करना कुछ नहीं, सिर्फ पैसा। रुपये के पुजारी हैं ये, रुपया देकर कुछ भी करवाओ इनसे, पैसे के पुजारी हैं ये। हकीकत ये है, करना आपको खुद को है, आप खुद कीजिए जैसे नियंगों ने किया है। इंसाफ है वो। अगर कोई ये बोले ना कि ये वो है भड़काना, और को नहीं, इंसाफ करेंगे वो लोग, इंसाफ। और यही इंसाफ चाहिए, इससे अच्छा अपनी जो मांग उठाते ना वही मांग उठा लो भाई। हमारा संयुक्त पंजाब एक कर दो, हमारे को नहीं चाहिए और कुछ, करो हमारा संयुक्त पंजाब एक। फिर भी कोई समस्या बचती है, नाम दीपक फौजी, नंबर 9518886630, 9518886630। जब दिल करे फोन कर लेना, फोन कर लेना जब दिल करे ना। तो ये कहेंगे वीडियो को शेयर करो या और कुछ करो, कम से कम अपनी ताकत को तो पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अपने बच्चों के लिए तो आवाज उठाओ। आप अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, और नेता के लिए नारा इतनी तेज लगा देते हो आप। नहीं तो बताओ कितने आपके नेता थे जो भी पंजाब में राजनीति करने गए हुए हैं, किस किसने आवाज उठाई उस बच्ची के लिए? क्या बोले दो शब्द भी कहीं पर? दो शब्द बता देना अभी से पहले, अभी के बाद तो पता नहीं वो कितने बोल देंगे। अब बोल देंगे वो, लेकिन अभी से पहले बोले क्या उन्होंने? नहीं बोले। और सिख भाइयों, आप भी अपनी ताकत को भूल के ना मस्त हो चुके हो राजनीति के लियारों में, अपनी ताकत को भूल के। फिर बोलते हैं हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, क्या यही थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र? हमारी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, आप नेताओं के जयकारे लगा रहे थे, यही थे? लिंक में ऊपर वीडियो डाल दिया है, कल भी बना दिया था उसको, कल ही बता दिया था, और गए ना निहंग सिंह। इसलिए अच्छे लगते हैं वो, इंसाफ पसंद लोग हमारे को पसंद है। ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे आएंगी, वोटें मांगेंगी, इनको कोई मतलब नहीं है, ना आपसे मतलब, ना आपके बच्चों से मतलब है। आप चाहे कल के मरते आज मरो, इनका घर भरना चाहिए बस, ये इनका एजेंडा होता है, ये ही एजेंडा सेट किया जाता है।
आपको बैल आ जाता है, फुसला आ जाता है, जयकारे लगवाते, अपना काम निकालते और चल देते हैं। और कुछ नहीं तो अन्य सिक्कों से ही कुछ शिक्षा ले लो। क्या उनकी कोई जमीन थी या उनकी बच्ची थी? बे औलादों को तो आप पूरा देश सौंप देते हो, लेकिन वो देखो ये होते हैं, इसको बोलते हैं गुरु के बच्चे। उनके दिल में दर्द था, वो गए। अपनी ताकत को मत भूलो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। आपकी ताकत कहां पे है? आप तो अपनी ताकत को भूल चुके हो। मत भूलो अपनी ताकत को। एकजुट रहोगे ठीक रहोगे, अलग अलग हो जाओगे ऐसे ही अत्याचार होंगे तुम्हारे ऊपर जो होने लग रहे हैं। और ये मत समझना वो वहां से वापिस गया था ना, अगर प्रधानमंत्री अगर ये जीत गए तो छोड़ेंगे फिर ये पंजाब को भी नहीं, पीछे लग चुके हैं ये, पंजाब को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा के और अलग अलग हो गए, अपनी बर्बादी के खुद कारण बनोगे, खुद कारण, कोई दूसरा नहीं बनेगा, आप अपनी बर्बादी के खुद कारण बनोगे। बताया था अपनी जो लोकल पार्टियां पहले से उनको मजबूत करो, मजबूत करो अपनी लोकल पार्टियों को, बाहरी पार्टियों के चक्कर में मारे जाओगे। नहीं समझ में आ रहा किसी के, आ जाएगा जल्दी ही आ जाएगा। अभी तो एक केस हुआ और हजारों केस होंगे, तब देखते हैं कौन कौन आगे आएगा। सभी साथियों को राम राम भाई।